नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में बुधवार की सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर के पास हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों सहित कुल 16 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश राजधानी कीव से 20 किलोमीटर दूर ब्रोवेरी क्षेत्र में हुआ। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। वही दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय से कार्यरत रहे कॉन्ट्रैक्ट के 60 नर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद से ये कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोरोना काल में भी काम करने के बाद अस्पताल ने उन्हें काम से निकाल दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोर्ट ने कर्मचारियों का वापस काम पर रखने का आदेश दिया है, इसके बावजूद उन्हें काम पर नहीं बुलाया जा रहा है। कोरोना में हस्बैंड और ससुर जी दोनों एक्सपायर हो गए एक साथ। मोदी जी कहाँ है, मुझे बताइए कहाँ है मोदी जी? बड़े फूल बरसाए, था ये बरसाई, ये करा वो करा, क्या करा मोदी जी ने? जिनका घर एक साथ उजड़ गया, कहाँ गए मोदी जी उस दिन? सारे लोगों को कहा 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया इस बच्चे को? कितना छोटा बच्चा है ये, आप देखिए। आप सब थे ना मीडिया वाले उस टाइम? कौन नहीं था मीडिया वाला? इसलिए आए कि आज नौकरी से निकाल दिया, ताकि एक दिन में चले जाओ। कैसे भेजेगी इसके बच्चों को नौकरी, बताओ कैसे करेगी इस सिस्टम काम? लोहिया हॉस्पिटल में 2010 से लगे हुए हैं। LDC हमारी पोस्ट है और 43 नर्सेज हैं जिनको बाहर कर दिया है। अभी 1 महीने से हम बाहर ही हैं और ये एक तरह की लूट मार वाली व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैसा देना और वो पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। और हम हैं हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमसे भी यही बात कही कि आप आउटसोर्सिंग में ही जॉब करेंगे, अदरवाइज़ ये वाली जॉब चलेगी नहीं आपकी। कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि इनको 12-13-15 साल हो गए हैं, तो इनको कैसे ना कैसे एडजस्ट करो, उम्र भी इतनी हो गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं और कैसे गुजारा चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। और हम लोगों ने एक बार से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से वादा किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी 17 यूनिट पूरे भारत में, हमारी केंद्र कर्मचारियों की 17 यूनिट है हॉस्पिटलों की, हम गेट प्रदर्शन करेंगे, सरकार की इनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग है इन कर्मचारियों को तुरंत वापस लो, लेकर तुरंत इनको रोगल किया जाए, परमानेंट किया जाए इन लोगों को, और इनका हक दिलाया जाए। इन्होंने करोड़ों में बहुत साथ दिया है और मोदी जी की आवाज़ पर सैनिक बनकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कई हमारी बहन बेटियों के पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे एक्सपायर हो गए कोरोना में। कोरोना कहाँ से कहा था? कोरोना भी हॉस्पिटलों से कहा था।